गुड मॉर्निंग गाइस, सेकंड डे। पहला तो दिन कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं भाई, इतना थक गए थे पार्टी करने के बाद भी। सो अब आपको दिखाता हूँ पहले मैं कहाँ रुका हूँ। ये है अमन होटल। आई थिंक हमको ये 1200 पर डे के हिसाब से मिल गया, मैं दो दिन के लिए बुक किया है। इसकी मेन चीज़ आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ पहले, तो मेरे को जो व्यू मिला है सामने बैल्कनी से, वैसे पर्दे से भी दिखा सकता हूँ बट बैल्कनी से दिखाता हूँ आपको। सामने देखो, बस गाड़ी लेते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स तोश। ओके, तो तोश जाने के रास्ते में शायद से लैंडस्लाइड है छोटा सा, शायद जल्दी खुल जाएगा तो हम निकल जाएंगे। छोटा नहीं है रन, बड़ा पत्थर है, निकल जाएगी। चलो चलो, ये पकड़ो, हटा दिया, गिरा था। अरे इतने सारे गिरे क्या? नहीं गिरे नहीं है, क्योंकि इसको ये ऐसे इन्होंने फोड़ के ना इसके यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं, देख सामने से। तो फाइनली कैफ़े मिला जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं। ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं 2 बजे, मैगी खा रहे हैं एंड व्यू बहुत अच्छा है हमारे साथ। बस अब खा के हम वापस नीचे जाएंगे ताकि हम पुलगा का ट्रैक कर सकें इतना अच्छे व्यू के साथ। तीनों लगे हुए हैं, बाकी हमारा ग्रुप नीचे ही रह गया, अभी हम उनको मिलने जाना। तो इतना अच्छा रास्ता मिला है हमें पुलगा जाने के लिए। एक्चुअली रास्ता ठीक ठाक है बट गाड़ी इसके इस रास्ते की सब ठीक नहीं है। वाह, ये कह रहे ऊपर जाना है ना। हाथ से दूर थे कहाँ इसके, ये तो काफ़ी गंदा कर दिया उन्होंने लास्ट टाइम। तो ये पत्थर उत्थर कुछ भी नहीं थे, पूरा पानी आता था इधर का और वुडन वो था ब्रिज था।
पहुंच तो गए हैं हम लोग पुलगा। अब पुलगा में यहाँ से ऊपर ट्रैक करना है, ये रास्ते से जाना है। देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है। हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं क्योंकि वो हमसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। तो दिस कार एंड दैट एसयूवी, ये दो अपने साथ हैं। अब हम पीछे से पहुँचेंगे। आई थिंक एक घंटे का ट्रैक हो गए, एक घंटे में ऊपर पहुँचेंगे। ऊपर पहुँच के आपको कैफे वगैरह दिखाते हैं और रास्ते में थोड़ा बहुत आपको ट्रैक कैसे दिखाते हैं। टेम्परेचर सडनली बहुत गिर गया अचानक से। हम नीचे थे, वहाँ 10 degrees था, 9-10 degrees। पुरगा आते ही इट्स शोइंग 3 degrees राइट नाउ। ऊपर जैसे जाएंगे देखते हैं ऊपर कितना गिरेगा। आई थिंक 1-2 degrees तक जाएगा टेम्परेचर। इतनी धूप में ही हालत है, रात को क्या होगा। नमो होम स्टे। चढ़ते चढ़ते फाइनली पहली स्नो मिली हमें सामने। तो यहाँ थोड़ा वाइट है, मतलब ऊपर और स्नो मिलेगी। इसके लिए तो आए थे इतना दूर। तो पहली बर्फ़ देख के और ऊपर आ रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल जगह देख के समझ में तो नहीं आ रहा किधर जाएं यार। करें विच साइड, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट, वहाँ बोर्ड पे लिखा है सामने कुछ। तो ओके इनटू द वुड्स इस साइड, ये राइट। वहाँ तक बर्फ दिखेगी। ओके तो इट्स टायरिंग, टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन भी थोड़ा कम है, तो और हम लोग को आदत भी नहीं है। तो फाइनली पहुंच गए हम इनटू द वुड्स और यहाँ बर्फ है। फाइनली इतनी मेहनत सफल हो गई। इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ठंडी बहुत है, 1 degree टेम्परेचर हो चुका ऑलरेडी। कितने अच्छे घर लग रहे हैं यहाँ पे। क्या सही लाइफ स्टाइल है यार इन लोगों का, एकदम नेचर के बीच में। डिफिकल्ट है बट बहुत डिफरेंट है सब, प्योर नेचर। तो काफ़ी चीज़ें हमारी रह गई, जैसे कि खीरगंगा ट्रैक हम नहीं कर पाए टाइम की कमी की वजह से। हमें मंडे ऑफिस पहुंचना है तो कल निकलना होगा मॉर्निंग में, और आज ऑलरेडी इवनिंग हो गई है सारे ट्रैक करते करते। खीरगंगा नेक्स्ट टाइम करेंगे और आपको खीरगंगा भी दिखाएंगे। तब तक ये व्यू एंजॉय करो। रास्ते में ऐसे बर्फ़ जमी हुई है पैरों में, पता भी नहीं चलता, स्लिप हो जाएंगे 1 second में। यहाँ पर आके ट्रैक ख़त्म होता है। फाइनली हम लोग अपनी गाड़ियों के पास पहुँच गए। हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास, ये वैभव की, एंड वो हमने जूम करके ली है। तो ये 3 अपनी है, खाली 3 लोग आने बाकी हैं, वो दिख रहे हैं मुझे सामने। वापस आके नीचे अब हम गए मणिकरण। मणिकरण में गुरुद्वारा है सामने, तो दिखाता हूँ पहले आपको। तो ये गुरुद्वारा है मणिकरण का, इसके लिए आए अभी हम। टेम्परेचर में देखो लोग सामने क्या मजे से नहा रहे हैं हॉट वाटर में। ओह हाँ, इतना गर्म गर्म पानी मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा।
और यहाँ जा रहा है एकदम बर्फीला पानी, गर्म पानी बनाने मिल रहा है। तो बहुत गर्म पानी था, लेकिन जो मज़ा आया नहाने में इतने गर्म पानी में वो और कहीं आया, हेवन जैसा फील था। 2 डिग्री टेम्परेचर में उबलते हुए पानी में नहाना सुपर। सो ये हमारे गीले कपड़े, हम जा रहे हैं वापस होटल में। ओके, तो इट्स day 3 गाइस। हमने एंजॉय कर लिया पूरा कसोल, तवोश, तुंगला, सारी गलीज में घूमी, एंड फाइनली नाउ टाइम टू लीव बैक टू दिल्ली। तो बस लास्ट नाश्ता कर रहे हैं कसोल का, पराठे, मैगी और चाय पी के, जहाँ शॉपिंग की थी उसके सामने बैठे नाश्ता करने, बस करके अब निकलेंगे। ले बीच में गए चाय पीने, रुके, गाड़ी की हालत देखो क्या हो चुकी है, ब्राउन से वाइट हो गई है, उसको भी धुलाएंगे कल। हाय गाइस, फाइनली मैं ये व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इसको एंड करना भूल गया था, और एंजॉय करने के चक्कर में ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। प्लीज़ बताना जैसा भी लगा आप लोगों को, कमेंट में बता देना। एंड अभी मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। ये बेटा सबको हाय बोलो, चलिए बाय।